सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम करने वाले हैं दिवाली मेकअप लुक, एंड मैंने आज का आई लुक बहुत ही सटल एंड सिंपल रखा है। सिर्फ सिमर्स यूज़ किए हैं, ग्लिटर यूज़ नहीं किए। आप चाहे तो ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले टाइम मेरे को क्या हो रहा था ना, जब भी कोई भी फेस्टिवल आ रहा था मुझे पता नहीं हो रहा था। उससे पहले दिन मुझे पता चलता था कि कल कोई फेस्टिवल है, तो जल्दी जल्दी में मुझे वीडियो बनानी पड़ती थी एंड वो सेम डे को ही अपलोड होती थी। तो इस बार मैंने दिवाली से काफ़ी डे पहले ये मेकअप लुक शेयर कर दिया है। सो होप आप इस लुक को रिक्रिएट कर पाएंगे एंड आपको अच्छा भी लगेगा। सो चलते हैं वीडियो में बिना ज़्यादा बकवास के एक छोटे से इंट्रो वीडियो के बाद। सो प्रिप प्राइम मैंने ऑफ कैमरा कर दिया था एंड सबसे पहले हम हाइलाइटर लगाएंगे, क्रीम हाइलाइटर, क्योंकि मुझे ग्लोई ग्लोई लुक चाहिए। आप अपना कोई भी क्रीम या लिक्विड हाइलाइटर या फिर जेल यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी तरह ग्लोई लुक नहीं चाहिए तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाइलाइटर बहुत ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर हम डॉट डॉट करके अपना फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे एंड देन उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। देन हम यूज़ करेंगे अपना कंसीलर। अब हम अच्छे से पाउडर लगा लेंगे। कॉन्टोर मैंने लास्ट टाइम जैसे लगाया है एंड अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। एंड लूज पाउडर की हेल्प से हम इसे अच्छे सा शेप प्रोवाइड करेंगे। आईब्रोज को भी मैंने ऑफ कैमरा ही फिल कर दी। अब हम सबसे पहले ये वाला शेड लेंगे और इसे अपनी आईलिड में लगा देंगे। देन इसे थोड़ा और डेप्थ देने के लिए ये वाला जो शेड है इसको हम लेंगे एंड इसे अपनी क्रीज पे अप्लाई करेंगे। देन हम स्मॉल ब्रांडिंग ब्रश में ये वाला शेड लेंगे एंड इसे हम ठीक अपने क्रीज पे लगाएंगे एंड उसके साथ साथ उसे थोड़ा अंदर की तरफ को भी ब्लेंड करेंगे। एंड यहीं से हम इसे लोअर लैश में भी ले जाएंगे ताकि हमारा जो आई शेड है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो सके। देन हम पहले जो ऑरेंजी शेड है ये वाला, इस तरह के फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड में कट क्रीज की तरह हम लगाएंगे और इसमें थोड़ा और डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम ये वाला शेड यूज़ करेंगे। ये थोड़ा रेडिश है, इससे हमारा जो शेड है वो और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्योंकि थोड़ा सा मैट लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा वो ऑरेंजी वाला जो शेड है वो यूज़ किया है। एंड लोअर लैश लाइन पे भी हम सेम कलर को अप्लाई कर देंगे। सो हम दूसरी आई पे भी सेम आई मेकअप करके अभी आ रहे हैं। सो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम आएंगे ब्लश पे। और मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे ब्लैक काजल एंड देन मिडिल पे मैंने वाइट काजल लगाया है एंड आईलाइनर भी मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया क्योंकि मुझे ऑन कैमरा बिल्कुल अच्छे से नहीं लगता है मेरा। हम थोड़ा सा ये वाला शेड लगाएंगे, ये थोड़ा ब्राउनी है बट ब्राउन है नहीं, थोड़ा बहुत इसे लगाएंगे ताकि हमारा जो ब्लश है वो थोड़ा शाइन करे बस। देन हाइलाइटर
लिप लाइनर यूज करेंगे। एंड सिर्फ मिडिल में लिपस्टिक यूज करेंगे। इसे लाइट करने के लिए मैंने पाउडर यूज किया है, थोड़ा सा मैंने अपने आई शेडो से ऑरेंज वाला शेड लिया है। के ऊपर हम यूज करेंगे लिप ग्लॉस। इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे अपने सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। अब हम आते हैं जल्दी से मस्कारा एंड आईलैश लगा के। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपको आज का ये लुक कैसा लगा, एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।